हमारी खुशी की जिम्मेदारी अगर हम किसी और के हाथ में दे देंगे ना तो जिंदगी पर मायूस रहेंगे। वाके। और इसीलिए जितना हम अपनी भावनाओं का, अपने जज्बातों का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं ना, उतना खुश। लेकिन बस ये इतनी मेहनत का काम है कि लोगों को लगता है इससे अच्छा है दूसरों की बुराई निकालते। खुद की बुराई में बहुत काम समय में कहती हूँ कि कोई सफल व्यक्ति यहाँ है और कोई एक व्यक्ति है जो यहाँ है। अब उसको उस व्यक्ति से जलन हो रही है या उसको भी वहाँ पहुँचना है, तो उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो मेहनत करके वहाँ जाओ, लेकिन इसमें मेहनत है, इसमें काम बहुत है। दूसरा ऑप्शन क्या है? भगवान कहते हैं हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती, समय लगता है। मैं समझदार हूँ ना, मुझे पता है तुम्हारे लिए कब क्या अच्छा है क्या नहीं है, तो मैं उस समय अनुसार तुम्हें सब कुछ दे दूँ। तुम बस मुझ पर भरोसा। आज मैं हूँ, कल मैं नहीं रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छाई हमेशा रहेगी। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ओ माय गॉड, लोगों के हिसाब से नहीं जीना चाहिए, क्योंकि हमारी इज्जत वो देखने वालों की नजर में नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर है, तो वो इज्जत हमारे अंदर। तो बस मैं थोड़ा ऑब्जर्व ज्यादा करती हूँ, लोगों को देखती ज्यादा हूँ, कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। कई बार व्यक्ति खुद इतनी अच्छी बातें बोल जाता है, अच्छी हरकतें कर जाता है, उसको खुद को नहीं पता चलता, बस वही हम कथा में बोलते तो हमको लगता है कि अरे बड़ी अच्छी बात है। पर आप सब, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, हर व्यक्ति बहुत ज्ञानी है लेकिन वो समझ नहीं रहा है। और जैसे अध्यात्म कहा जाता है ना, हर व्यक्ति आध्यात्मिक है पर उसको रियलाइज नहीं हुआ है। तो हम थोड़ा सा बस वो रियलाइजेशन का काम कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको सब पता है, आपको सब आता है, बस थोड़ा उठ जाओ, जाग जाओ, अपने आप को पहचानो। एग्जाम में पास या फेल होना जिंदगी में पास या फेल होने का पैमाना नहीं होता। पढ़ना जरूरी है लेकिन पढ़ने से ज्यादा उसे समझना जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है खुद पर और खुद की मेहनत पर यकीन रखना। मैं अपने किसी भी सपने को ये नहीं बोलती हूँ मैं करना चाहती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं करूंगी और मैं करती हूँ। जिस दिन आप लोग ये बोलना स्टार्ट कर दिए ना, मैं करूंगी, मुझसे ही होगा, उस दिन आप अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। मैं आज आपके बीच चार चीजें लेकर आई हूँ, चार ऐसी बातें जो आपको ये बताती है कि आप कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हैं या नाकामयाबी के रास्ते पर। पहली चीज, कामयाब व्यक्ति हमेशा हर चीज में, हर व्यक्ति में, हर सिचुएशन में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता है। आप उसे कहीं भी ले जाइए, बुरी से बुरी जगह भी लेकर जाइए, वो उसमें से भी कुछ अच्छा निकाल ले। और वहीं पर एक नाकामयाब व्यक्ति हर अच्छी से अच्छी चीज में, अच्छे से अच्छे व्यक्ति में और अच्छे से अच्छे सिचुएशन में भी बुराई ढूंढ ही लेता है।